कोविड-19 और इसके नए रूप अभी भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान और चीन मिलकर एक खतरनाक साजिश में लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के वैज्ञानिक रावलपिंडी के पास एक गुप्त जगह के में जैव हथियारों के रिसर्च में लगे हैं। कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाक सेना द्वारा संचालित रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन ने पाकिस्तान में घातक रोगजनकों पर शोध करने के लिए एक अत्यधिक उन्नत वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है। ANI के मुताबिक जियो पॉलिटिक की रिपोर्ट के अनुसार ये स्थान एक कड़े पहरे के बीच एक रहस्य बना हुआ है। विभिन्न वैश्विक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन पाकिस्तान में कोविड जैसे रोगजनकों का निर्माण कर रहा है, जिनमें कोविड की तुलना में कहीं घातक पैमाने पर वायरस के दूषित होने की क्षमता है। कहां और कैसे है ये लेबोरेटरी? जियोपॉलिटिक के मुताबिक सवालों के घेरे में आई ये लेबोरेटरी एक जैव सुरक्षा स्तर 4 फैसिलिटी है, जहां सबसे खतरनाक और संक्रामक एजेंटों का परीक्षण और विकास किया जाता है। DSTO रावलपिंडी के चाकलाला छावनी में स्थित है और इसका नेतृत्व 2-स्टार जनरल करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि BSL-4 लेबोरेटरी का उपयोग संक्रामक एजेंटों और विषाक्त पदार्थों और अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जो जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनके लिए कोई टीका या चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। क्या कहना है एक्सपर्ट का? जियोपॉलिटिक के अनुसार घटनाक्रम पर नजर रखने वाले खुफिया और वैज्ञानिक समुदाय के लोगों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का उपयोग करके चीन ने प्रयोगशाला के एक अत्यधिक संक्रामक नेटवर्क को आउटसोर्स किया है, जहां एंटीजन वर्तमान कोविड की तुलना में 100 गुना अधिक संक्रामक बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।